हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज मैं सुबह 6 बजे उठी हूँ और अपना रूटीन वर्क करने के बाद मैं दूध और ब्रेड लेके आई हूँ, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट में है ब्रेड टोस्ट और चाय। सो ब्रेकफास्ट होने के बाद मैं आ गई हूँ पढ़ने के लिए और अभी बजे हैं सुबह के 7। तो सबसे पहले मैं 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ूँगी, क्योंकि इसके कई बेनिफिट्स हैं। इससे मेरे आज के करंट अफेयर्स भी कवर होंगे, दूसरा रीडिंग स्किल इम्प्रूव होगी एंड वोकैब तो बिल्ड होता ही है। सो आई आल्सो सजेस्ट यू कि आप सब न्यूज़पेपर रीडिंग डेली बेसिस पर करें। एंड न्यूज़पेपर कहाँ से रीड करना है उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अभी मैं करने वाली हूँ मॉक एनालिसिस। वैसे मैं मॉक का एनालिसिस साथ के साथ करती हूँ, बट अभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो मुझे मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। स्पीड इंक्रीज़ करने और कंप्लीट सिलेबस की रिवीजन करने का सबसे बेस्ट मेथड है कि हम अपने सारे दिए हुए मॉक्स के क्वेश्चंस करें। इससे क्या होगा कि हमारे तीनों सेक्शंस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब 10 बज चुके हैं, अभी मैं लूँगी छोटा सा फ्रूट ब्रेक। फ्रूट में आज है पपीता। पढ़ाई के साथ हेल्थ का ध्यान रखना भी ज़रूरी है, इसलिए हमें ट्राई करना चाहिए कि हम अपनी डाइट में एक फ्रूट ज़रूर रखें। आज का मेरा टारगेट 10 मॉक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, जिसमें से 5 मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और बचे हुए मैं अभी कंप्लीट करूंगी। बारह बजे तक मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए और अब टाइम हो गया है लंच का, तो अभी मैं लंच प्रिपेयर करूंगी। लंच में आज मैं मिक्स दाल बनाऊंगी और साथ में मैंने देसी घी का चूरमा भी बनाया है। खाना खाते टाइम मैं खुद को रिफ़्रेश करने के लिए तारक मेहता के ओल्ड एपिसोड्स देखती हूँ। आप लोग कमेंट्स में बताना कि कितने लोग मेरी तरह खाना खाते टाइम तारक मेहता देखते हैं। लंच करने के बाद मैंने 1 घंटा रेस्ट किया। 1 hour later. उसके बाद 3 बजे से मैंने दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया है। सुबह का पूरा टाइम प्री को दिया है, तो अभी मैं मेंस की क्लास करूँगी। पहले मैंने एक क्लास क्वांट की लगाई है। क्वांट के लिए मैं आशीष अरोड़ा सर की वीडियो से प्रैक्टिस करती हूँ। उसके बाद मैंने रीजनिंग की क्लास की है। रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए मैं पुनीत सर की वीडियोस को फॉलो कर रही हूँ। मेंस की प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो हमें प्री के साथ मेंस को भी टाइम देना चाहिए।
5 बज चुके हैं तो मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, इसी टाइम मैंने मैगी बना के खाई है। उसके बाद मैंने 5:30 ब्री का मोक देना स्टार्ट किया है। आप लोग भी ट्राई करें कि मोक देने से जस्ट पहले 15 से 20 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें और इस टाइम अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करें और अपने माइंड में स्ट्रेटजी डेवलप करें जिससे आज आप मोक अटेम्प्ट करने वाले हैं। बिलीव मी, इट रियली वर्क्स। साढ़े 6 मेरा मोक कंप्लीट हुआ। उसके बाद 7 बजे तक मैंने रफ एनालिसिस किया। आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।